का प्रयत्न आपने क्यों किया था अंगराज? क्या विद्या का महत्व जाना था आपने? क्या विद्या प्राप्त करके समाज को लाभ देने की इच्छा थी आपके हृदय में? या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु आपने विद्या प्राप्त की? वास्तव में विद्या प्राप्त करने हेतु श्रम की तो आवश्यकता ही नहीं होती, केवल एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। ज्ञान तो आत्मा का सहज गुण है और आप बुद्धिमान हैं। आप ही बताइए, विद्या ग्रहण करते समय मन एकाग्र क्यों नहीं रहता? जब ज्ञान को मनुष्य साधन मानता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान ग्रहण करने निकलता है, तब ज्ञान ग्रहण करते समय उसका मन स्थिर नहीं हो पाता, ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता। जैसे रंग वस्त्र का अपना गुण नहीं होता, इसीलिए सूर्य प्रकाश में तप कर रंग छूट जाता है। जो व्यक्ति अमूल्य ज्ञान का मोल जानकर ज्ञान प्राप्त करता है, वो उत्तम बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति कुछ और प्राप्त करने के आशय से ज्ञान प्राप्त करता है, वो जीवन भर श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा में लगा रहता है, किंतु उत्तम नहीं बन पाता।